हैं सबके। सो आज मैं कहाँ जा रही हूँ, आज है सैटरडे और सैटरडे है मेरा नेल्स कराने का डे, तो मैं जा रही हूँ नेल्स कराने। और मैं नेल्स हमेशा करवाती हूँ O2 नेल्स से, जो कि है पैसिफिक मॉल में, द्वारका सेक्टर 21 में। तो फटाफट से वहाँ चलते हैं। और आई एम येट टू डिसाइड द डिज़ाइन डिसाइड करना तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, वो हम करते हैं। पहुँच जाते हैं सेक्टर 21 में, मेट्रो से आई हूँ, तो सेक्टर 21 चलते हैं O2 नेल्स पैसिफिक मॉल। और आई एम नॉट श्योर आज क्या कराने वाली हूँ, बस मुझे इनसे आज छुटकारा पाना है, क्योंकि ये एक महीना हो गया, सवा महीना इज मोर देन इनफ है ना। और अभी आगे बढ़ने से पहले फटाफट से क्या कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्दी से वो भी कर लो यार, बस कुछ दिन रह गए हैं, अब आई थिंक सो 5 डेज रह गए हैं, और जल्दी से पार्टिसिपेट कर लो। और मैं मिलती हूँ आपको O2 नेल्स पे। Finally, I am at O2 Nails and I am with Renu and she is my sweetheart, guys. I trust her so much. मेरे nails इस time इस condition में थे कि बालों में अटक रहे थे, but मैंने कहा मुझे कहीं और से नहीं कराना है, ठीक है। तो O2 Nails is the place, पैसिफिक मॉल में, द्वारका में। मेरे पिछले जितने nails आपने देखे हैं वो सारे रेनू ने किए हैं, she is the one। और आप इसको मतलब बेझिझक अगर आपको वेडिंग का भी नेल आर्ट कराना ना तो यहाँ पर आ जाना, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं हम करने के वाले हैं क्या। गाइज, मैं जो अपना नेल्स कराती हूँ मैं ओरिजिनल नेल्स पे कराती हूँ, क्योंकि मुझे समहाउ आर्टिफिशियल नेल्स कैरी करना पसंद नहीं है। तो सबसे पहले हमारा प्रोसेस है रिमूवल का, और रिमूवल में बफ होते हैं जैसे नेल्स, रेनू बफ होने के बाद नेल्स वीक होते हैं, उनके बाद नेल्स वीक हो जाते हैं क्या? नहीं, नेल्स तभी वीक होते हैं जब हम ओरिजिनल नेल्स पे बफिंग करते हैं, बट अभी हम सिर्फ कलर को रिमूव करने के लिए यूज कर रहे हैं। ओके ओके, नेचुरल नेल्स को कुछ भी नहीं। और कोई टिप ताकि हम अपने नेल्स को अगर रेगुलर नेल आर्ट कराते हैं तो मेंटेन कैसे कर सकते हैं? गैप देना बहुत जरूरी है। वो तो हो नहीं पाता, आपने एडिक्शन लगा देते हो ना आप लोग तो। ऐसी है ना, मतलब मुझे इस पे इतना ट्रस्ट हो गया है, सच बोल रही हूँ। मैंने बहुत दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे सलोन से कराया है, दैट इज वाई आई रेकमेंड कमिंग टू O2 नेल्स, बिकॉज शी जस्ट नाउ सेड कि जैसे ही मुझे लगेगा कि आपके नेल्स की कंडीशन ख़राब हो रही है मैं बता दूंगी, है ना। तो अभी बफिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है। शी सेड मैडम बहुत अच्छे अच्छे कलर्स आए हैं आज, हम कुछ नया तो करेंगे। ये है हमारे अंशुमन एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट स्वीट पर्सन, और हमेशा स्माइलिंग, ही इज़ ऑलवेज स्माइलिंग एक्चुअली, लुक एट हिम। अभी तो हमारा हो रहा है रिमूवल, और अब क्या करने वाले हैं, व्हाट आर वी डूइंग? अब भी हम सिलेक्ट करेंगे, हाँ मतलब हम डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्टिंग और डिज़ाइन इज अनदर टास्क है ना, मतलब समझ में ही नहीं आता कि क्या कराया जाए। और मुझे इस बार कुछ ऐसा कराना, मैं रेनू को यही कह रही थी कि जो मुझे एक्चुअली जो थोड़ा दिखे भी, वाइब्रेंट सा भी लगे, एट द सेम टाइम थोड़ा सटल भी लगे, आपको लगे क्लासिक यार पागल हो गई है ना, एक्चुअली यार मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए। तो लेट्स सी क्या सजेशन आ रहा है। डिज़ाइन हमने सेलेक्ट कर लिया है, बहुत सारे शेड्स और कलर्स देखने के बाद, इस बार तो कुछ तो मैंने कहा था मुझे वाइब्रेंट चाहिए, तो कुछ वाइब्रेंट तो करा ही दिया है रेनू। सो देखते हैं अब क्या करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। सो फाइनली शेप तो हमने कर लिया है स्क्वायर, ठीक है, और डिज़ाइन भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। रेनू अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या कर रहे हैं हम? अब हम करेंगे जेल। ओके, क्या आया है उसको पिंक कलर में जेल। ओके ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट होगा, ये जेल इज इन पिंक शेड। ऑलराइट, नेचुरल लेंस को डैमेज नहीं करती है किसी, मतलब जितने भी प्रोडक्ट आएंगे इसके ऊपर आएंगे, अपने नेचुरल लेंस पे कोई हार्म नहीं है। वाओ, जैसे हम मेकअप में प्राइमर यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर फेस, वी आर यूजिंग प्राइमर टू प्रोटेक्ट आवर नेल्स आल्सो, तो इससे ये है कि हमारे नेल्स पे उतना असर नहीं होगा जो होना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम फिर लगाएंगे जेल। ये
आप लोग देख सकते हो गाइस, नेल्स के बीच में गैप आ गया है, उस गैप को हम फिल कर रहे हैं इस जेल से। गो विद नियॉन कलर्स टुडे, आई डोंट नो कैसे लगने वाले हैं, बट दिखने में बहुत ब्राइट लग रहे हैं। लेट्स सी कैसे लग रहे हैं। ओह माय गॉड, दीज आर सो ब्राइट कलर्स, सुपर एक्साइटेड। लेट्स सी कैसा लगता है। डिज़ाइन तो मैं लास्ट में ही दिखाऊंगी। ऐसा लग रहा है होली के कलर्स पड़े हैं। After selecting all the shades, we have started the nail art. कितना पेशेंटली आराम से करना पड़ता है गाइज मुझे, मतलब जनरली तो एक डेढ़ घंटा लगता है, बट आज हम आराम से कर रहे हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट मोर देन डेढ़ घंटा। तो आप प्लीज़ अगर आ रहे हो तो डेढ़ दो घंटे तो निकाल के डेफिनेटली आना, इफ़ यू वॉन्ट अ प्रॉपर नेल आर्ट अगर आप कराना चाह रहे हो। स्किप हो जाता है, बट यू नो शी, वी आर डन विद द नेल आर्ट ऑलमोस्ट, एंड शी इज बाइंडिंग अप माय नेल आर्ट विद दिस स्टेप, क्यूटिकल ऑयल। दिस इज व्हाई आई प्रेफर कमिंग टू हर, और मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ फाइनली क्या क्या है। और यू नो जो नेल आर्ट किया है दैट इज प्राइस्ड एट 1500, दिस इज प्राइस्ड एट 1500, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, दिस इज प्राइस्ड एट 1500, बट डेफिनेटली दे हैव डिस्काउंट्स यू नो डिफरेंट मंथ्स में, डिफरेंट ओकेजन के अकॉर्डिंग इनके पास डिस्काउंट्स भी होते हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हो। एंड फाइनली इट्स द टाइम टू रिवील द नेल आर्ट, एंड यस दिस इज द आर्ट व्हिच वी हैव बॉट, ये फाइनली हमने कराया है, दिस इज हाउ इट लुक्स। कैसे लग रहा है मेरे को, परफेक्ट, बहुत डर डर दिख रहा है, पता नहीं क्योंकि हाथ तो मेरे जैसे हैं, प्लीज़ इग्नोर कर देना पतले पतले से, बट दिस इज व्हाट वी हैव, एंड प्लीज़ कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना कि कैसा है ये नेल आर्ट। और इनका मैं पूरा एड्रेस आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, और ओ टू नेल्स द्वारका पैसिफिक मॉल में आना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो।